केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन जहां सपने पूरे ना हो तो जनता पीटती भी है। अपनी साफगोई के लिए मशहूर गडकरी द्वारा महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। गडकरी के अनुसार, मुझसे कोई पत्रकार यह नहीं कह सकता कि मैंने कोई वादा किया हो और पूरा न किया हो। मैं जो बोलता हूँ वह 100% डंके की चोट पर पूरा होता है। उल्लेखनीय है कि गडकरी ने हाल ही के दिनों में दूसरी बार चुनावी वादों को लेकर इस प्रकार का बयान दिया है। उस समय पहले भी गडकरी ने एक बयान में स्वीकार किया था, 14 के चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने जो कई बड़े वादे किए थे जिनके पूरे नहीं होने पर लोग पूछते हैं अब हमें चुपचाप हंसकर आगे बढ़ जाना होता है। कुल मिलाकर गडकरी का यह विवाद बेहद चर्चा में है। कुछ दिन पहले गडकरी द्वारा इंदिरा गांधी की भी प्रशंसा की गई थी और उन्होंने यह भी कहा था कि इंदिरा गांधी को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।